आज लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है। देश के दो सूबों में वोट की ताकत की आजमाइश है। यूपी में चौथे चरण की 53 सीटों पर वोटिंग चल रही है। वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी समेत तमाम नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी। खासतौर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर सबकी नजर है, जहां 2.5 दशक बाद पहली बार बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए तो बेहद ही अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो महाराष्ट्र में समझिए उसके सरकार तक पर संकट आ सकता है, क्योंकि उसकी सहयोगी शिवसेना लगातार उस पर अटैक कर रही है। थोड़ी देर में यहाँ से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो इसी पर बात करने के लिए मुंबई से जुड़ेंगे हमारे साथ इंडिया 24/7 रिपोर्टर नित्यानंद शर्मा, और इसके साथ साथ लखनऊ से जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ जेपी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ बीएमसी के नतीजे बस आने वाले हैं। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की तमाम नगर पालिकाओं और जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ही पहला रुझान आ जाएगा और 1 घंटे में ही कई नतीजे आपके सामने होंगे। दोपहर तक की जो तस्वीर है साफ हो जाएगी कि कौन बनेगा बीएमसी का बॉस। तो देश के सबसे अमीर माने जाने वाली बीएमसी के इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना दोनों की ही साख दांव पर लगी है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। चलिए हम अपने रिपोर्टर नित्यानंद का रुख करते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नित्यानंद, बस वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीएमसी का बॉस कौन बनेगा। आपकी बातचीत होगी, मुंबई कर जो है वो क्या चाहते हैं? जी, आपको बता दूं 10 बज चुका है और अब मतगणना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक तरफ जहां अंदर जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखी हुई है, तीसरी तरफ आप देख सकते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं उस क्षण का जब उनका जो रुझान सामने आएंगे तो उनका कैंडिडेट जीतता है या नहीं जीतता है। जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है लोगों की दिलों की धड़कन जो है वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। 227 मुंबई में वार्ड है, जीतने के लिए 114 सीट चाहिए और ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। आपको बता दें इसके पहले शिवसेना बीजेपी विधानसभा में अलग हुई थी और अब बीएमसी चुनाव में पहली बार शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रही है। ये एक का चुनाव है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि बीएमसी की सत्ता पर लगातार शिवसेना जो है पिछले 20 सालों से उस पर काबिज है। और आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी के सूबे के जो मुखिया हैं, और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार बीजेपी की तरफ से जो कैंपेन कर रहे थे, पारदर्शी बीएमसी में पारदर्शी की बात कर रहे थे, तो जी आग भी दाव पर लगा हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें अगर 2012 के हम सीट की बात करें तो शिवसेना को 76 सीट मिली थी, बीजेपी को 31 सीट मिली थी, एमएनएस को 28 सीट मिली थी। और अगर आप इस बार की बात करें तो पिछले बार 2012 में 45% चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, इस बार तकरीबन 55% जो है वोटिंग हुई है। ऐसे में वोटिंग परसेंट ज़्यादा होने से चुनावी समीकरण जो पूरी तरीके से बदल चुका है, तो अब लोग ये कयास लगाकर बैठे हैं कि आखिरकार कौन होगा बीएमसी सत्ता पर काबिज, कौन होगा बीएमसी का बॉस, और साथ ही साथ बीएमसी के चुनावी इस दंगल में किसका मंगल होगा। जी बिल्कुल, तो किसका मंगल होगा? और ये देखिए 2012 में जिस तरह से आप बता रहे थे आंकड़े स्वाति, 45% वोटिंग और इस बार 55%, तो समीकरणों के हिसाब से देखें तो वोटिंग परसेंट बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें सबसे अहम बात है कि 20 साल का जो साथ था शिवसेना और बीजेपी का वो इसमें टूट गया है और इसके कई मायने हैं, कई अहमियत इसकी हम देख सकते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जेपी शुक्ला जी भी बने हुए हैं। जेपी शुक्ला जी, जिस तरह से चौथे चरण का मतदान हम देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों की बात करें, जिस तरह से आज बीएमसी के जो नतीजे आएंगे, इसका प्रभाव आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, इन चुनावों पर किस तरह से देखते हैं, समझते हैं? श्वेता, अभी तक तो जैसा चारों तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
उसके मुताबिक किसी एक पार्टी के फेवर में न पहले कोई इस तरह का एक तरफा रुझान रहा, न इस बार भी कोई एक तरफा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज यहाँ जहाँ पर मतदान है उसमें सबसे मुख्य है बुंदेलखंड का इलाका, जो कि बहुत पिछड़ा इलाका है, और सभी पार्टियाँ अपने अपने तरीके से यही बोलती रही हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बुंदेलखंड का विकास करेंगे। बुंदेलखंड को लेकर के, वहाँ की गरीबी को लेकर के, वहाँ पर पेयजल की समस्या को लेकर के लगातार समाचार पत्रों में और मीडिया के दूसरे जो अंग हैं उनमें ये बातें आती रहती हैं कि वो पिछड़ा इलाका है, लोगों को पीने का पानी नहीं है और भुखमरी है। वहीं पर एक आध जगह ऐसी हैं जहां पर कि भूखे लोगों को खिलाने के लिए रोटी बैंक चलाए जा रहे हैं। तो ये सब मिला करके अभी तक ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मतदाता किसकी तरफ हैं, जैसा और जगहों पर हुआ है कमोबेश वही स्थिति यहाँ की भी दिखाई दे रही है। अब देखो अभी तो मत पढ़ना शुरू हुआ है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो क्षेत्र पर जो रिपोर्टर्स जो हैं ऑन द स्पॉट, जब उनसे कोई खास बात मालूम हो तभी कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसके कैंप में उत्साह अधिक है, किसके कैंप में उत्साह कम है। और यहाँ तो अभी तक ऐसी कोई बात, ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है, या जो कैंपेन के दरमियान भी ऐसी कोई स्पष्ट बात नहीं पता चली जिसके आधार पर बिल्कुल जेपी शुक्ला जी, तो स्पष्ट अभी नहीं पता चल रहा है। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 9 बजे तक जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत है और इसी तरह से बढ़ता रहेगा, आपसे और भी अपडेट्स जानेंगे जेपी शुक्ला जी। और रुक करेंगे मुंबई का, नित्यानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्या, जिस तरह से बीएमसी का आज स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन बीएमसी का बॉस बनता है, शिवसेना में किस तरह से चहल पहल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे की साथ दांव पर लगी है, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त मातोश्री पे शिवसैनिकों के आने की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे तस्वीर जो है वो साफ, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। एक अपडेट दे अपने दर्शकों को, अमरावती पुणे में बीजेपी की जीत हुई है बीएमसी चुनाव में। नित्यानंद, आप और क्या बता रहे थे, हमें जानकारियां दीजिए। जी, तो ये साख उनकी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जो है इस बार बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की जो बीएमसी में बात सामने आ रही थी, तो बीजेपी को तकरीबन 100 सीट बीजेपी मांग रही थी, 100 सीट के ऊपर मांग रही थी। उनका कहना था कि हमारा इस बार जनाधार बड़ा है, हमें ज़्यादा सीट चाहिए, लेकिन शिवसेना 60 सीट से ज़्यादा देने पर तैयार नहीं थी। ऐसे में ये जो इलेक्शन है, शिवसेना की जो साख इस पर दांव पर लगी है, साथ ही साथ बीजेपी की भी साख इस पर दांव पर लगी है। शिवसेना की तरफ से जहाँ पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जो चुनावी सभा लिया और उसमें मतदारों से अपील की थी कि किस तरीके से बीजेपी से उनकी जो मित्रता है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, और एक दूसरे पर लगातार चुनावी मौसम में देखा जा रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, जहाँ शिवसेना की तरफ से बीजेपी को आड़े हाथ लिया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से शिवसेना को आड़े हाथ लिया जा रहा था। ऐसे में अब जब रुझान सामने आने वाले हैं, अब थोड़ी आपको बता दें वोटिंग की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में 23 जगहों पर वोटिंग सेंटर है, वोटिंग का जो है वोटिंग काउंटिंग सेंटर है जहां मतगणना होगी, और 729 तो निर्धारण मतगणना चल रही है। और एक तरह से देखा जाए शिवसेना ने एकला चलो की नीति अपनाकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन ये दबाव के साथ साथ जो नतीजे हैं अब वो बयां करेंगे कि बढ़त किसको मिलेगी, कौन बीएमसी का बॉस बनेगा। शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, आगे भी आपसे हम जानते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे।